नमस्कार मित्रों, बेरोजगार ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी काम में वाइब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई कोई भी आप कर रहे हो तो उसकी एक फील आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, उसको काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। तो अपनी वाइब को फुलफिल करने के लिए मैंने एक चीज़ मंगाई है देन नाटक वाला चैनल के लिए। उस चैनल पर मैं एक्टिंग करता हूँ जो कि मेरा पैशन है। वहाँ पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म में दो ऐसे ही कॉमेडी वीडियो भी बनाए हैं। एंड किसी भी एक्टिंग वाली चीज़ में आपको तब तक मज़ा नहीं आता जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं होती एक्शन से, मतलब जब तक क्लैप बोर्ड बजता नहीं ना कट करके तो मज़ा नहीं आता। तो वो फील लेने के लिए भाई साहब, वो वाइब लेने के लिए मैंने यहाँ पर ये मंगाया है। अनबॉक्स करते हैं इसको फटाफट और देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो इसमें है एक क्लैप बोर्ड, इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर कागज की सील आती है इस पर, तो इसको फटाफट से हम खोल लेते हैं। तो अंदर इस तरह का ये एक बॉक्स है और इसमें आया है आपका क्लैप बोर्ड। वाइब आ रही है एंड दिस ओके, बढ़िया है भाई। तो दोस्तों, ये है एक क्लैप बोर्ड। तो फटाफट से इसका फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं और बताता हूँ कि आपको क्या काम आता है। तो दोस्तों, ये है क्लैप बोर्ड। ये फिल्मों में काम आता है। किसी भी सीन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर उस सीन के बारे में लिखा होता है। तो दोस्तों, ये है एक क्लैप बोर्ड। ये मूवीज में काम आता है। किसी भी सीन की स्टार्टिंग में उस सीन के बारे में लिखा होता है। और ये इस तरीके से कोई इंसान इसको पकड़ के ऐसे एक्शन और यहाँ पर सीन चालू हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन जो भी है, रोल, सीन, टेक, कौन सा रोल है, कौन सा सीन है, कौन सा टेक है, डायरेक्टर का नाम, कैमरा कौन सा है, डेट यहाँ पर डे में है सीन, नाइट में है, इंटीरियर है मतलब अंदर का सीन है या फिर एक्सटीरियर बाहर का सीन है। और एमओस का मतलब होता है कि ये जो शूट हो रहा है वो ऑडियो के बिना होता है, क्योंकि फिल्मों में डबिंग बाद में होती है, लेकिन आजकल हाथों हाथ भी ऑडियो होने लग चुका है। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको मार्कर से भर दिया जाता है और उसको यहाँ पर मिटाया भी जा सकता है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पर हम मिटाते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर एकदम प्लेन होता है। अब ऊपर का जो हिस्सा है ये बना हुआ है लकड़ी का, वुडन। उसके बाद दोस्तों, अंदर की तरफ यहाँ पर देखें तो ये एक मैग्नेट दिया गया है और इस पर भी देखेगा आपको यहाँ पर एक मैग्नेट दिया हुआ है। तो जैसे ये यू करते हैं तो यहाँ पर आकर ये हल्का सा चिपक जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर करते समय एकदम से टूट रहा है। एंड नीचे का हिस्सा ये है प्लास्टिक। एंड दोस्तों, यहाँ पर जो हिंज है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पर स्क्रू दिए गए हैं जिनसे इसे टाइट और ढीला कर सकते हैं। तो किसी भी फिल्म की स्टार्टिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने ये वाइब के लिए मंगाया कि जैसे किया जाएगा कट तो भाई आनंद आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ केवल आनंद के लिए नहीं होती। एक्चुअल में किसी भी सीन को जब हम शूट कर रहे होते हैं तो कई बार उसको मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो सीन और टेक के अनुसार पता चल जाता है कि ये कौन सा वाला टेक हो रहा है, कौन सा वाला सीन है। तो यहाँ पर जब एडिटिंग होती तो उसके टाइम सीन्स को सिंक करने में बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए ये क्लैपबोर्ड काम में आता है। तो भाई फाइनली ये मैंने मंगवा लिया। हालांकि ये डायरेक्टर्स के काम की चीज़ है तो छोटा मोटा तो मैं हूँ ना, सेल्फ अनाउंस्ड डायरेक्टर। तो दोस्तों, ये है क्लैप बोर्ड। इसके बिना भी काम हो जाता, बट वाइब वाली बात है। आने वाला जो वीडियो होने वाला है मेरा लोकतंत्र पावर ऑफ द पीपल, तो उसकी शूटिंग मैं जल्द से जल्द चालू करने वाला हूँ और उसमें ये मैं यूज करके देखूंगा। हालांकि मुझे इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। एक्चुअली किस तरीके से यहाँ पर टेक लिए जाते हैं, क्या क्या लिखा जाता है या फिर सीन्स के एंगल के अनुसार कैसे इसको यूज किया जाता है, तो टेक्निकलिटीज मैं सीख लूँगा। थोड़ा थोड़ा पता है कि जैसे कोई फेस है तो फेस के थोड़ा सा पास में ऐसे रखना होता है, वाइड एंगल सीन है तो कहीं इन मिडिल में खड़ा होके ये इसको, और कई लोग इसको मतलब एक हाथ से पकड़ के ऐसे कर लेते हैं, तो एक्सपीरियंस की बात है। बट वाइब तो ये देगा, ये तो श्योर है। तो मैंने ये मंगा लिया है, मज़ा आ रहा है भाई। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उस चैनल का और जो वीडियो है उसका, एक बार जाकर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बाकी भैया, उसका सेकंड पार्ट शूट करने जा रहा हूँ। तो फाइनली मैंने क्लैप बोर्ड मंगवा लिया है। तो आप बताइए आपको ये क्लैप बोर्ड कैसा लगा। बात करें इसकी प्राइस की तो ये 800 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। एंड ये मैंने ठीक ठाक क्वालिटी का मंगाया इसलिए इतने का पड़ा है। बाकी इससे सस्ते भी आते हैं, इससे थोड़ी कम क्वालिटी के, और भैया 40,000, 50,000 एंड सो ऑन।
डिपेंड करता है भैया आप कितने बड़े फिल्म मेकर हैं। हम तो भैया बिगिनर है इसलिए काम चलाओ मंगा लिया है, पर बढ़िया है, काम चलाओ नहीं है, बहुत बढ़िया है ये अपने अनुसार। सो आई होप दोस्तों आपको क्लैपबोर्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।